असलम एवरी वन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट इकानमी ठीक है रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान इकानोमी बेसिकली हम इकानमी के ऊपर जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंट उसको स्टडी करेंगे ठीक है उनके क्रैक्स देखेंगे और देखेंगे हम उनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुलते हैं बेसिकली स्टेटिस्टिक्स और फिर फैक्ट फिगर्स के लिए यू मस्ट नो दिस काइंड रिपोर्ट मतलब इशूड इशूड बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया आपका वर्ल्ड बैंक हो गया इकोनॉमिक आउटलुक या जो भी इस तरीके से जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की रिपोर्ट्स आती हैं आपको उसको लाजमी एक दफ़ा देखना होता है और बेसिकली आप कोट करते हैं तो ऑर्गोमेंटेशन इसी तरीके से बनती है अगर आप उसको कोटेशन या अपनी को कोट करके या उसको आर्गुमेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से आपके आपके आर्ग्यूमेंट्स सबस्टिएट सबिएट हो जाएंगे ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान इकानमी पे दो रिपोर्ट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट जो रिसेंट है 2022 के अंदर एक रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की सही है अब ई डी बीज एनअल फ्लैगशिप इकोनॉमिक पब्लिकेशन होती हैं एनुअल ये एनअली पब्लिश करता है ये वाली रिपोर्ट्स को ठीक है एशियन बैंक इसके अंदर उसने ये एक्सपेक्ट किया है कि पाकिस्तान जीडीपी डी पी उसने 2021 की बताई है 5.6 पॉइंट परसेंट दो के अंदर उसने कहा है कि एक्सपेक्ट किया फोर परसेंट रहेगी और फिस्कल ईयर 2023 के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो आपकी ग्रोथ है जीडीपी वो 4.5 परसेंट रहेगी एक्सपेक्टेड ठीक है अब उनके हिसाब से पाकिस्तान इकानमी इज़ रिकवरिंग स्टेडली थैंक्स टू द वेल कोऑर्डिनेटेड फिजिकल एंड मोनीटरी रिस्पॉन्स टू देंडामिक अब ये ए डी पी के डायरेक्टर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है फिजिकल और मोनीटरी जो पैंडमिक को डील अच्छे तरीके से किया ठीक है अब इन्होंने इन्फ्लेशन के जो फीगर्स दिए हैं उसके अंदर सबसे पहले टू थाउन्न ट्वेंटी वन के अंदर एट पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ट्वेंटी टू के अंदर इलेवन परसेंट 23 के अंदर 8.5 परसेंट है मतलब मैच सही है जो कि बताए गए उसी तरीके से अब ये इन्होंने साथ में रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन भी बताए हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर एशियन बैंक की जो मैं अभी रिपोर्ट बता रहा हूँ उसके अंदर सबसे पहला जो रीज़न है जो इन्फ्लेशन का दैट इज़ हायर एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी प्राइजेज जब हम पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्राइजेज राइज होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है तो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल इंपैक्ट है ना इसका इसके ऊपर मैंने अलग वीडियोज बनाई हुई है जिसको आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फेनोमिना होता जा रहा है प्रेजेंट सनारियों के अंदर इंटरनल फैक्टर्स प्लस इंटरनेशनल फैक्टर्स नेक्स्ट रीजन फॉर द इन्फ्लेशन इज सिग्निफिकेंट करेंसी डेप्रिसिएशन पाकिस्तान की करेंसी डेप्रीट होती जा रही है बिकॉज ऑफ इस अनस्टेबल सिचुएशन ठीक है तीसरी रीजन जो इन्होंने बताई है वो एलिवेटेड ग्लोबल फूड प्राइजेस फ्रॉम द डिस्ट्रप्शन की वजह से जो फूड प्राइजेज हम देख रहे हैं वो भी राइज हुआ है ये वाला रीज़न भी मैंने डिस्कस किया है इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर जो कि ओवरऑल मैंने ग्लोबल इन्फ्लेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से फूड प्राइजेज आपकी इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं और क्या इसके पीछे रीजंस क्या हैं क्या डायनामिक्स है इसके पीछे सारी डिटेल्स बताइए तो लास्ट में ये कहती है ये वाली रिपोर्ट पूरी कंक्लूजन ये देती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए ये हर बंदा बोलता आ रहा है हर रिपोर्ट की बात करती आ रही है और उसके ऊपर हम सेपरेट देखेंगे कि बेसिकली पाकिस्तान की इकानोमी को चाहिए क्या क्या करने की जरूरत है हमें जो कि लैग कर रही है पाकिस्तान बेसिकली तो एक में बोल दूँ तो विल लैग करती है पाकिस्तान की जो करना हम चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें पॉलिटिकल इशूज हैं सारे मसले मसाइल हमारे मुल्क के अंदर हैं ठीक है तो दिस रिपोर्ट कॉल्स फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और उन्होंने बताया कि अगर हमें एक्सेलरेटिंग ग्रोथ की तरफ पाथ पे चलना है बूम साइकिल को खत्म करके सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो वी हैव टू पाकिस्तान नीड्स टू डू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इट्स इकोनॉमिक इकनॉमिकल रिफॉर्म्स कर सकते हैं इसके अंदर हम पूरी बुक का भी रेफर यार उसने भी सारी यही बातें बताई है इकोनॉमिक इशूज ऑफ पाकिस्तान अकबर एजदी की एक बुक है तो किस तरीके से हमारे मसले चल रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नाइन प्रॉब्लम्स उन्होंने बताएं ठीक है नाइन प्रॉब्लम्स अब वो अलग देखेंगे हम फिलहाल यहाँ पे रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि ओवरऑल रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं एक रिपोर्ट तो हमें समझ आ गई उन्होंने जी डी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की हैं इन्फ्लेशन बताया इन्फ्लेशन के रीज़न बताएँ तो यू कैन यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ चार थिंग चार चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक तारीफ उनकी यूज कर सकते हैं पाकिस्तान की जी डी ग्रोथ को रेफर करना हो तो ये वाली रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं इन्फ्लेशन को रेफर कर सकते हैं और रीज़न उसके बता सकते हैं कि उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस वजह से बढ़ी है ठीक है तो आपकी आर्गूमेंट जस्टिफाई हो जाएंगे और सबस्टैंशिएट हो जाएंगे और फिर आप बताएंगे कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात करती है ये रिपोर्ट अब नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक बाय एनुअल पाकिस्तान डेवलपमेंट एनवल रिपोर्ट जो आएगी अपडेट रिपोर्ट आई है इसके ऊपर ठीक है उन्होंने एक रिपोर्ट दी उन्होंने इसमें यह बताया कि लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ इकॉनमी चल रही है पाकिस्तान के अंदर क्या क्या है यही जो ऊपर वाले ने बात की है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है नीचे वाली दूसरी रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यही कह रही है डेवलपमेंट बैंक भी यही बोल रही है वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर और वो क्या क्या है सबसे पहले लो इन्वेस्टमेंट मैं ये बात पिछली वाली वीडियो में भी समझा चुका हूँ कि पाकिस्तान की एस पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो अनप्रोडक्टिविटी अन प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही है रियल इस्टेट सेक्टर में जा रही है अन इनफॉर्मली रियल इस्टेट की तरफ जा रही है ठीक है ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ जो कि कोई ऑटोमोबाइल्स में मतलब सिर्फ रिसेल परचेज चल रही है इसके अलावा आपकी मतलब अनप्रोडक्टिव एसेट एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं हाउसिंग स्कीम्स चला रहे हैं तो इसकी वजह से एक तो इन्वेस्टमेंट लो है और फिर इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव है और अनडॉक्यूमेंटेड चल रही है इसकी वजह से एक तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चरल वीकनेस है दूसरा है लो एक्सपोर्ट्स के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत नो हैं इस वजह से उसका करंट अकाउंट डेफिजिट बढ़ जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है और इसी की वजह से पूरी मुल्क के फॉर एक्सचेंज रिजर्व कम होते हैं एक्सचेंज रिजर्व कम होते हैं तो अपनी करंसी डेप्रिश होती है करेंसी डेप्रिसिएट होते हैं इन्फ्लेशन आती है इन्फ्लेशन आती है तो ओवरऑल मुल्क के मसले तो वैसे ही बढ़ते जा रहे हमें हैं हमें लोन्स लेने पड़ते हैं लोन्स लेके वापस करना पड़ता है तो इस तरीके से हमारी डेप साइकिल चलता है पूरा डेप ट्रैप में फंस जाते हैं तो पूरा मुल्क की मतलब सारी सिचुएशन ख़राब हो जाती है अगर एक्सपोर्ट सही नहीं होंगी तो तो ये वाला एक स्ट्रक्चरल इशू एक्सपोर्ट्स कम है और लास्ट में लेस प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो कि मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिविटी नाम की तो चीज़ ही नहीं है ना कोई इनोवेशन की तरफ नहीं करते कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाते कोई मतलब टेक बेस टेक इनोवेशन ऑन्टरप्रीनरशिप का कल्चर नहीं है यहाँ पर तो इसकी वजह से ये तीन रीज़न हैं ये स्ट्रक्चरल इकानमी के मसले हैं वैसे इसके अंदर सारी बाकी सारे मसले इसी के अंदर आ जाते हैं ठीक है इम्पोट बेसिकोट ऑरिएंटेड इकानमी ऑयल के मसले ये वो सारे एक्सपोर्ट वाले लेवल के गए लो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो सारी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें इमेजिंग इमेज का इशू जो आता है पाकिस्तान वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं तो इसी तरीके से कि सारी चीजें कनेक्टिविटी में आती हैं। अच्छा वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर कंट्री डायरेक्टर ने क्या कहा है सस्टेनिंग द इकोनॉमी एड्रेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल वीकनेसेस ऑफ पाकिस्तान बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी ठीक है अब जैसे ऊपर वाले डायरेक्टर के हिसाब से ऊपर वाले की चीफ रिपोर्ट के हिसाब से भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है यहाँ उन्होंने ये बताया कि इन तीन सेक्टर्स में पाकिस्तान को बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है तो आपको एक तो ये आप ये तीन बातें समझ आ गई कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इकॉनमी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ क्या है इकॉनमी के वो आप इस रिपोर्ट से हाईलाइट करेंगे फिर इन्होंने भी जी ग्रोथ के फिगर्स दिए जो कि आपने ऊपर भी देखें वो भी आप यूज कर सकते हैं ये भी यूज कर सकते हैं लेकिन रेलवेंट डेटा के साथ आपने लाजमी उसको उसका सोर्स मैंशन करना है ठीक है सबसे पहले ये बता रहे हैं ट्वेंटी के अंदर 2022 के अंदर 4.3 परसेंट लेगी इसकी जीडीपी ग्रोथ 23 के अंदर 4 परसेंट रहेगी और 24 के अंदर 4.2 परसेंट लेगी इफ रिफॉर्म्स टेकन टू सपोर्ट फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी तो ये ग्रोथ रहेगी उनके हिसाब से ठीक है अब इन्होंने बताया कि पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क रिस्क भी फेस कर रहा है पाकिस्तान पहले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्ट्रक्चर इशूज़ बताया फिर अब मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क बता रहे हैं जिसकी वजह से इशूज़ क्यों फेस कर क्यों इकॉनमी अनसस्टेनेबल चल रही सबसे पहला तो हमने बताया कि टाइटर ग्लोबल फाइनेंसिंग कंडीशन बहुत टाइट चल रही है कोई लोन नहीं चल रहे है इफ्लेशन चल रही है मुल्के अंदर क्राइसिस आ रहा है एक न्यू फॉर्म ऑफ रिसेशन चल रहा है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि, कि किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर एक न्यू फॉर्म ऑफ रिसेशन आ रहा है नेक्स्ट इज पोटेंशियल फर्दर इंक्रीजेस इन ग्लोबल एनर्जी प्राइजे हमें पता है जैसे ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं मजीद जिसकी वजह से एक माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी खराब हो रही है क्या खराब हो रहा है आपके इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं तो इस वजह से अल्टीमेटली आपका माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बिजनेस करने का इवायरमेंट यू भी है जिसको यू ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं वो खराब होता जा रहा है उसके रेट खराब मतलब कम होते जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी नहीं है सिक्योरिटी नहीं मिल रही इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करके उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा सही है पॉसिबल रिस्क ऑफ रिटर्न ऑफ कोविड नाइनटीन रिलेटेड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन अब मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन दोबारा आ सकते हैं कोविड नाइन्टीन की वजह से रिटर्न ऑफ रिटर्न आ सकता है कोविड वापस आ गया तो ऑब्वियसली लॉकडाउन में सारी चीजें आएंगी अब जो डोमेस्टिक रिस्क है वो हमें क्या है पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी और दूसरा पॉलिसी रिफॉर्म पेज तो ये पूरी पूरी डिटेल्ड कहानी है लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम चीजें हाईलाइट किया जो कि हमें वैसे इसकी बैकग्राउंड में सारी चीजें पता है लेकिन सिर्फ हमने क्या करना सारी चीज को कोट करते हुए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को करना है। अब इन्होंने यह तरीका भी बताया कि किस तरीके से आप मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क तीन इंटरनेशनल फैक्टर्स बताएं और टू टू डोमेस्टिक फैक्टर्स बताएं तो ये आजमी याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिर आप बताएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को टैकल करने के लिए तरीके बताएं किसने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने और वो क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए फोकस करना चाहिए कंटेनिंग द फिजिकल डेफिसिट जो कि ऊपर वाली रिपोर्ट भी कह रही थी टू इंश्योर डेप सस्टेनेबिलिटी करनी जाए दूसरा क्लोजली कोऑर्डिनेट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को एक अलाइनमेंट में लेके जाएँ उसका प्रॉपर स्ट्रक्चरल उसका साथ उसका रिफॉर्म करें उसको इम्प्लीमेंटेशन करें ये वाली भी मैं ऊपर जो बुक मेंशन कर चुका उसमें भी यही वाली एक्जैक्ट बात लिखी है कि एंड मॉनिटरी पॉलिसी का इशू चल रहा है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं या हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएं तो ये नहीं समझ आती फिर हमारे फिस्कल के इशूज चल रहे थे कि डेप्थ एक्सपेंडिचर का भी ज्यादा हो जाता है तो ये सारे जो मसले हैं इसको डील करने की जरूरत है लास्ट में उन्होंने बोला कि रिटेन एक्सचेंज रेस्ट फ्लेक्सीबिलिटी एक्सचेंज रेट को एक तो सस्टेन करने की जरूरत है करेंसी को रोकने की करेंसी को फ्री फ्लोट तो कराएं लेकिन करेंसी को किसी तरीके से स्टेबल रखने की कोशिश करें ताकि आपके बिजनेस और आपकी पेमेंट्स सिक्योर हो सके अच्छा ये तो अब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को टैकल करने के तीन तरीके बताए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की उसको आप कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन ये क्या है इसका पूरा इसके ऊपर एक स्पेशल सेक्शन था रिपोर्ट का ठीक है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि मुल्क का सबसे बड़ा इशू ये जो स्ट्रक्चरल इशू है वो ये है कि आपका मैं इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या मतलब हाउ टू इंक्रीज फाइनेंसिंग टू रियल इकोनमी बाय एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इंपेडिमेंट्स इंपैक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग क्रेडिट मार्केट्स हमने क्या करना है कि फाइनेंसिंग को किस तरीके से मुल्क के अंदर बढ़ाएं मैं बार बार ये बात करूँ कि कि किस तरीके से आप मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और प्रोडक्टिविटी Productive investments को लेके के अंदर उसकी impediments, impediments कि उसकी वजह से फिर कम होंगे जो टेक्नोलॉजी हो गई और ये सारी चीजें डील होंगी डिमांड सप्लाई के इशूज खत्म होंगे जिस वजह से आपके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा ठीक है इनपेडिमेंट्स किस तरह के अभी जो मैंने बात बताई इंपेडीमेंट्स कौन कौन से हैं एक्सटेंसिव गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम से गवर्नमेंट बॉरो करती है ये करना छोड़ दे, करने करना छोट कैसे जाएंगे जब आप फाइनेंसिंग लेके आएंगे फाइनेंसिंग आप डोमेस्टिक लेके आए या इंटरनेशनल लेके आए तो उसको तो जैसे अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो आएगी नेक्स्ट चीज़ इज़ नेक्स्ट इज़ लो डोमेस्टिक सेविंग्स अब डोमेस्टिक सेविंग्स भी पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेविंग्स होंगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस फिर ग्रोथ और इस तरीके से मुल्क सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा थर्ड इज़ अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट्स कैपिटल जो हमारी मैंने पहले बताया ना जो हमारी कैश फ्लो है और सारा कैपिटल मार्केट्स है ना वो अंडर डेवलप्ड हैं उसके अंदर उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही वो सिर्फ क्या है कैश के ऊपर चलती हैं और अनडॉक्यूमेंटेड चल रही हैं तो उनको डेवलप करने की जरूरत है आपकी बोरिंग्स कम

और जीडीपी ग्रोथ का बताया और फिर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क बताया तीन इंटरनेशनल एक दो डोमेस्टिक और लास्ट और उसके एड्रेस करने के तरीके और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का बताया अब ये दो रिपोर्ट्स हो गई आपकी पाकिस्तान से स्पेसिफिक रिपोर्ट जिसके ऊपर में तो पड़ा है तो वो लेकिन है ग्लोबल आउटलुक के ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की एक रिपोर्ट है अक्टूबर दो के अंदर आई है रिसेंटली के चैलेंजेस फेसिंग दी ग्लोबल इकॉनॉमी में जैसे बता रहा हूँ ग्लोबल इकॉनॉमी को क्या चैलेंजेस फेसिंग आ रही है सारे इकनॉमि ने ग्लोबल रिसेशन भी प्रिडिक्ट कर दिया है रिसेशन के अंदर आपकी सारी चीजें

सबसे पहला बताया कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज थी ना वो भी एक्सपेंसिव होती जा रही है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ग्लोबल आपकी जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से ये कहानी हुई अब इसलिए ये रिपोर्ट के अंदर पूरी डिटेल नहीं लिखी होती रिपोर्ट के अंदर डिटेल लिखी होती है लेकिन हम जो यहाँ पे उसका क्रैक्स देते हैं ना उसमें से मेन मेन हेडिंग्स बताते हैं उसके पीछे पूरी उसकी कहानी होती है कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से ये सारी चीजें फूड एक्सपेंस हो गया क्लाइमेट चेंज हो होगी सारी जो भी बेसिक नेसेसिटीज आपकी एक्सपेंसिव होती गई और उसकी वजह से आपका ये सारे रीजनज आ रहे हैं यार हम रीज़न्स बता रहे हैं कि क्यों ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन का फेस करता जा रहा है कि प्रोग्रेस कम हो गई है दूसरा रीजन है टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन इन मोस्ट रीशन मोस्ट रीजन फाइनेंशियल कंडीशन टाइट कैसे हो गए कि आपकी जो वन चाइना पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी कह रहा हूँ वन चाइना के अंदर कोविड जीरो कोविड पॉलिसी जो है कोविड पॉलिसी उसकी वजह से पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब पक्चता है ना पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया का मैनुफैक्चरिंग हब है अगर वो बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन टाइट हो जाएंगी और टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन का ये भी मतलब है कि इसके अंदर पूरा आपका जो आई वर्ल्ड बैंक ने भी लोन्स देना छोड़ दिए और ए के भी लोन्स एक्सपेंड मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली लोन लेना मुश्किल हो गए लोन नहीं मिल रहा है इसकी वजह से तो ये टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर आपके इंटरेस्ट रेट्स आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इसकी वजह से ऑब्विसली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर फिर सब फैक्टर्स बहुत सारे बन सकते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन वाला बन सकता है फूड वाला बन सकता है ऑयल वाला बन सकता है और भी बहुत सारे इसके अंदर बन सकते हैं थ्रेट वाला थ्रेट न्यूक्लियर ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं गैस क्राइसिस यूरोप के अंदर क्राइसिस इन्फ्लेशन ये सब इस वाले फैक्टर के अंदर आ जाती हैं और लास्ट में लिंगरिंग कोविड नाइन्टीन पैंडमिक और पैंडमिक अभी भी चल रहा है चाइना में ये वाला इशू चल रहा है और भी दुनिया के अंदर अभी तो बिलगेट्स ने पिछले दिनों प्रडिक्ट किया है कि एक न्यू तरह का कोविड आ रहा है कोविड न्यू तरह का वायरस आ रहा है एपीडेमिक तो दीज आल दी कंडीशन आर रीजनस बिहड दिस ग्लोबल इकनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट वो ये कह रही है कि चलेंजेस फेसिंग दी ग्लोबल इकॉमी को ये दो चैलेंज है कि जी डी कम हो रही है इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और उसके रीजनस ये हैं अच्छा अब इन्होंने प्रिडिक किया कि ग्लोबल ग्रोथ क्या रहेगी और ग्लोबल इन्फ्लेशन उन्होंने बताया ना दो चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की हैं और दोनों चीज़ें ही रिसेशन को प्रिडिक्ट करती हैं तो सबसे पहले उन्होंने बताया दो हज़ार इक्कीस में छः परसेंट रही थी ग्रोथ दो हज़ार बाईस में थ्री परसेंट हो गई थी देखें ग्लोबिक स्लो डाउन हो रही है ग्लोबल ग्रोथ और दो हज़ार तेईस के अंदर टू पॉइंट सेवन परसेंट हो जाएगी और भी कम हो जाएगी ठीक है ये साफ पता चल रहा है इसकी वजह कि स्लो डाउन आ रहा है जीडीपी के अंदर ग्रोथ के अंदर नेक्स्ट बताया ग्लोबल इन्फ्लेशन अब ये आपको याद रखने है कि के दो हजार तेईस के अंदर जो प्रिडिक्शन है टू पॉइंट सेवन के और ग्लोबल ग्रोथ किस तरीके से आपको पूरा आर्गुमेंट जब पाकिस्तान में इसको यूज कर सकते हैं इसको ओवरऑल किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप अपने करंट अफेयर्स मतलब ओवरऑल नॉलेज के लिए नॉलेज तो कहीं भी यूज हो सकती है तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको जो नॉलेज फैक्ट्स फिगर्स मिलते हैं वो सारे आपको रिपोर्ट से मिलते हैं अच्छा अब इसमें इसने एक और चीज़ बताई है इन्फ्लेशन के बारे में कि 2021 में 4.7 थी 2022 में 8.8 हो गई तो 23 के अंदर 6.5 और 24 के अंदर फिर जाके कम होगी लेकिन ये टू तो ट्वेंटी में ये आपकी 8.8 परसेंट होगी और 6.5 परसेंट होगी टू तो डील इन्फ्लेशन के तरीके भी इन्होंने बताएं कि क्या करें मॉनिटरी पॉलिसी री पॉलिसी स्टेब, प्राइस स्टेबिलिटी मॉनिट्री प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए फिजिकल पॉलिसी शुड एलिवेट कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर्स मैंने जो बताया क्रॉ ऑफ लिविंग प्रेशर्स को कम करें विद विद बाय यूजिंग फिसकल पॉलिसी इस तरीके से इफेक्टिव बनाए मॉनिटरी और फिसिकल पॉलिसी को हम देखेंगे बाद में डिटेल में ऑब्वियसली ये तो पूरे इकोनॉमिक टर्म्स हो जाएंगे आपने सिर्फ एक अंदाजा लगाना है आपने फिगर्स याद रखने यहाँ पे और साथ में ये रीजन और मेन बातें जो कि हाईलाइट की मेन बात यही है कि जीडीपी स्लो डाउन हो रही है इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है ठीक है और फिगर्स याद कर लें ठीक है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है इन्फ्लेशन को डील करने के लिए तो हम पढ़ चुके हैं तो आपको यहाँ इन्फ्लेशन का पता चल गया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया और ये कम हो रही है जी डी पी ग्रोपल ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की ग्लोबल डायनामिक्स को इसने कवर किया रिसेशन की पूरी बात बताई फिर हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की बात की ग्लोबल इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क की बात की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की और एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट जिसके अंदर हमने जी डी पी और इन्फ्लेशन की बात की थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस इज ऑल फॉर टुडे ये हम इकोनॉमिक्स बेसिकली आप इकोनॉमिक के अंदर इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स हर लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल इश्यूज बने हुए हैं कि इकनॉमी का इशू चल रहा है और पूरी दुनिया में रिसेशन फाइनेंशियल और पाकिस्तान का सबसे मेन इशू यही चल रहा है तो दीज रिपोर्ट्स विल मस्ट विल मस्ट हेल्प यू इन एवरी डोमेन ऑफ योर सब्जेक्ट्स सही है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टेक केयर अल्लाह